भंडारी पोखरी ब्लॉक दे जाइथिबा 16 नंबर जातीय राजपथर पालदा बांकोठारु जाजपुर को संयोग करथवा पृत विभाग रास्ता एबे लोक मानंक पई मरण जंता पालडछि। रास्तार दीर्घ 13 किलोमीटर होइथिबा बेले निर्माण दीर्घ दिन हेबो जातायात पथटी जराजिन होइ गलाणी। राति पाहिले एही रास्ता दे कुरिंगा सरसदा रहणिया मालदा नपंग सोलमपुर पंचायत जनसाधारण दैनदिन भंडारी पोखरी आसी थांती। या छड़ा पड़ोसी जाजपुर समेत कटक और केन्द्रापड़ा जिलार साधारण छोटमोट जानवाहन बाट दे भद्रक एवं बालेश्वर जाइथांती। खराब रास्ता जो विगत वर्ष मानकरे दुर्घटना घटी धनजीवन हानि होइथिबा नजर रहिछि। विशेषकर सरसदा बरदा बजार ठारु पालदा बांक जाए निर्माणाधीन पिच रास्ता मझिरे दुईफाल होगला। साइकेल और मोटर साइकेल आरोही माने दुई किलोमीटर रास्ता अतिक्रम करने को आउ सुरक्षित मणुना। बाकी 11 किलोमीटर कंक्रीट रास्ता भांगी रुजी नष्ट बसला। विशेषकर हाजीपुर पटापोल राढ़ो मालदा जलहरी खपुरियापदा प्रमुख स्थान मान रास्ता फाटी दबिगला। मरामति पई विभागीय जंत्री दृष्टि आकर्षण करते सुधा से निर्वाचन आल देखाई यहपुर दृष्टि देउनथबा जना पड़ी। एपटे विपदपूर्ण रास्ता को नहीं हजार हजार जनसाधारण नाही नथिबा असुविधा रे सम्मुखीन होउछन्ती। तेणु यहपुर भद्रक जिलापालंक समेत उच्च पदस्थ अधिकारी दृष्टि देवा को दाबी होइछि। से गोटे कंट्राक्टर को देले बेटरी करके जाते खाल फाल सब बुझे कौन जाते पुणी गाड़ी चढ़ी आप देखते अवस्था ये बाट लोक पढ़ुं लोक चका स्लीप कर लोक दुर्दाशी पड़ुन गोटे स्वामी स्त्री गड़ गले बिल भितर को आम उठेनु। तापर द्वितीय कथा ये देखूँ ये गोटे पोल बर्षा रेनी सीजन आर वर्ष से करते रेनी सीजन करा पड़े कौन है ना रेनी सीजन करा पड़े ये मैंने तुरंत कम कले शीघ्र शीघ्र कम करदे शीघ्र शीघ्र कम करा पड़े कौन है ना से रास्ताटा मैंने बेस दिन सटरिंग रखिले पोलटा जो छात्र पकड़े बेस दिन सटरिंग रखिले 10-12 दिन सटरिंग खोलीदे खोलला पर देखुंट अवस्था ये देखूँ अवस्था कौन बर्तमान मानने गाड़ीटा स्लोपिंग करा कथा से जगहटा को स्लोपिंग कले जमी ना सेमी छाड़ देखिए पड़े गाड़ी सकपचर पीटे गाड़ी सकपचर तो भांगी जाए मतलब दुनिया पैसा गलानी सकपचर मनवे तापर गोटे कथा है गोटे लोकटे रात जापर ना आस उल्टी पड़ो छिटी पड़े तरह जीवन पड़े मैंने यार मुझे बुझीपाली जे कौन ये आमर मानने प्रशासन चुप कहीं ये जो डिपार्टमेंट आर डी आर एन बी वाला कौन मान कौन ये लाभ के खाऊँ किसी के कौन जहाँ जहाँ कम करते पड़े कौन लोक सन्तुष्ट हे ना ये हाँ देखो कौन अवस्था कौन देखते फिर गोटे छोट पिलाटे धर सल तार अवस्था कौन निहत देखो ये भंडारी पोखर जाजपुर संजय करते पृथ्वी रास्ता पालदा बागर मन्नाथपुर 13 किमी रास्ता ये पृथ्वी अच्छा रही है मालदा नपंग रंजित प्रमुख पंचायत 68 पंचायत लोक दैनदिन भंडारी पोखरी सदर महकुमा को आसती विभिन्न सरकारी कार्यालय को आसती भद्रक जाती पड़ोसी जो जाजपुर रहा केन्द्रापड़ा कटक से लोक विभिन्न जानवाहन भद्रक बालेश्वर भी यही रास्ता देखिए जाती है तो राति पाइले चल चंचल हो रास्तार मरामती निहाती आवश्यक कि बर्तमान कौन से अधिकारी दृष्टि आकर्षण करा सब अधिकारी कनिष्ठ जंत्री सहकारी जंत्री आम व्यक्तिगत स्तर से फोन जगह जोजोग करते सुधा सी शुणुना टोटाल हाँ देखा ये कम करुचु ये इलेक्शन पर हो तो आम बर्तमान जिलापा दृष्टि आकर्षण करुच्छे रास्तार यथाशीघ्र मरामती कराऊ तेना आगे निर्वाचन आसी गमनागमन रास्ता जनगहलीपूर्ण हो तेणुक यथाशीघ्र रास्तार मरामती आम दाबी करूँ मु जगह ठिया होती एटा भंडारी पोखर प्राणकेंद्र पालदा बांक ये दीर्घ जाजपुर जिला केन्द्रापड़ा जिला को ये यहाँ हूँ समग्र अंचल को ये गोटे रास्ता ही संयोग करुच्ची किंतु ये जो सामना रास्ता आप देखुं ये रास्ता यही दीर्घ 200 मीटर
କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉନି। ପ୍ରଶାସନ ନେଇଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନର ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟା ହେଉଛି। ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ସବୁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଦେଶର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 50,000 ଟଙ୍କା, 5,000 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ବାଇକ୍ରେ ବାଇକ୍, କାର୍ରେ କାର୍, କାର୍ରେ ସ୍କୁଟି, ଡେଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଡେଲି ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ପରିବାରର ଆହତ ହୋଇକି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ, ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଆମମାନଙ୍କର। ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ, ଏଇଠି ଦୋକାନଟି କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଖଜଉଛି, ଚଲିବାଲା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚଲିବାଟା ଉଠେଇ ପାରୁନି, ତାକୁ ଆମକୁ ପେଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲା, ଛାଡ଼ିଦେଇକି ତାଡ଼ିଦେଇ ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମେ ଦୋକାନ କରିବୁ ନା ତାକୁ ଆସି ଉଠାଉଠି କରିବୁ? ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ, ଯାହା ତୁମ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି, କିଛି ଅଛି, ଆମ ହାତରେ ତ କିଛି ନା, ଆମେ କହିବୁ ପଦେ, ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଟିକେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜକୁ ନିଅନ୍ତୁ, କାମଟା ଯେମିତି ହଉ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।